नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम। आप देख रहे हैं एफडी के वीडियो। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक मेरा रहेगा यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाते हैं, उसका सही तरीका क्या है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और शेयर कमेंट जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, ताकि आपके पास मेरा नोटिफिकेशन जाता रहे। और जब मैं आपको सिखाऊंगा कि यूट्यूब थंबनेल बनाऊंगा और आप जब मैं उंगली जहाँ टच करता हूँ वहाँ देखते रहना, क्योंकि कुछ लोगों को पता नहीं लगता है कि कहाँ टच किया कहाँ नहीं किया। तो मैं बता दूंगा, साथ साथ में बोलता चलूंगा, लेकिन उस पर लिख के नहीं आता है, तो हम यहाँ करके बताऊंगा, तो आप ऐसे समझ लेना, ठीक है दोस्तों। और जो मैं टच भी करता हूँ तो वहाँ पे व्हाइट कलर का थोड़ा गोला गोला सा आएगा, और वहाँ पे आप देख लेना मैं कहाँ कहाँ टच करता हूँ, पिक्सल लेफ्ट से करूँगा। तो चलिए दोस्तों, मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर लेके चलता हूँ दोस्तों। तो जैसा कि दोस्तों मैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पे लेके आ चुका हूँ, अब चलना आपको पिक्सल लैब में, यहाँ पे इसको डिलीट करना आपको ऊपर से, इसका लिंक ना हो तो मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा पिक्सल लैब का, ओके। अब आपको जाना है चौथे नंबर पे, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इमेज साइज कस्टम यूट्यूब थंबनेल, इसको यहाँ लगाना है। ये YouTube थंबनेल का बन गया है, ठीक है। अब आपको जाना है दूसरे सेकंड नंबर पे, यहाँ नेक्स्ट, अब पेंसिल के आइकन पे इसको पैक करना है, यहाँ लिखना है आपको प्रोफेशनल, इसको उतना ही रखना है। अब इसको थोड़ा सा बड़ा करना है, हल्का सा इसको साइड में लाके इसको यहाँ बड़ा करना है, इसको यहाँ इतना बड़ा किया। अब यहाँ कलर डालना है मुझको, इसमें कलर जैसे कि मुझको यहाँ ब्लू रखना है या येलो, जो भी रखना है, जो भी ठीक लगे वो रखना है, मैं येलो करता हूँ। अब इसको यहाँ लाना है, अब स्टाइल पे जाना है, ठीक है ना, यहाँ इसको थोड़ा हार्ड करना, मोटा सा। अब इसको स्ट्रॉन्ग बनाना है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना, इसको यहाँ छोड़ दो, इसको इतना हो गया। अब आपको फिर से नेक्स्ट पे जाना है, यहाँ लिखना है प्रोफेशनल थंब नेल थंबनेल, इसको यहाँ लाना है, इसको भी थोड़ा बड़ा करना है, ऐसे वही। खिसकाना, इसको स्ट्रॉन्ग करना है, इसको वही स्टाइल पे जाना है, इसको थोड़ा मोटा करना है, ठीक है, फिर साइज में थोड़ा सा छोटा करो इसको, अपने हिसाब से देख लेना दोस्तों। अब इसको कलर वाइट ही रखता हूँ, ठीक है यूट्यूब। अब फिर से आपको नीचे आना है, पेंसिल पे फिर जाना है, फिर से यहाँ पे लिखना है आपको यूट्यूब थंबनेल प्रोफेशनल थंबनेल कैसे बनाएं, ठीक है ना, फिर से इसको बड़ा करना है, जे तो वही लिख गया, सॉरी इसको हटाओ। थंबनेल इसको फिर वही बड़ा करता हूं, स्टाइल मोटा स्ट्रॉन्ग, ये हमारा वही फिर से सेट हो गया, ठीक है दोस्तों। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों, सॉरी इसके लिए। आपको फिर से यहाँ पे इसको टच जरूर कर देना यहाँ पे स्क्रीन पे, वरना मेरी तरह यही हो जाएगा। फिर से नेक्स्ट करना, फिर से पेंसिल के आइकन पे आना, प्रोफेशनल थंबनेल कैसे बनाएं, ठीक है ना, इसको ओके करना, फिर से उसको बड़ा करना,
साइड में लेके स्टाइल पे जाना है, यहाँ मोटा फिर से वही करना है आपको बार बार, और कुछ नहीं स्ट्रॉन्ग। अब इसमें मुझे कलर कौन सा लगाना है, ब्लू, ब्लू थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, रेड। ओके यहाँ पे मुझको आप अपने हिसाब से कलर कोई सी डाल लेना, ठीक है दोस्तों। अब इसका बैकग्राउंड चेंज करते हैं, इसका कलर तीसरे नंबर पे आना है, इसका फिर चौथे नंबर पे आना है, और यहाँ आपको इसका कलर बैकग्राउंड वाला चेंज करना है। ओके तो यहाँ मैं ब्लू रखता हूँ, फिर से यहाँ पे आना है आपको, इसको थोड़ा बड़ा बड़ा कर दूँ, खा गया। चौथे नंबर पे आना है, इसको थोड़ा बड़ा कर दूँ, ठीक है दोस्तों। अब आता है यहाँ पे आप अपनी फोटो लगाएं, फोटो तीसरे नंबर पे आना है, यहाँ पे इंपोर्ट, इंपोर्ट में जाना है, और जहाँ भी आपकी फोटो हो, जैसे कि मेरी पीएनजी फोटो है, मैं अपनी पीएनजी फोटो लगा देता हूँ यहाँ पे, कोई सी भी हो जैसे अपने हिसाब से निकाल लेना। ये मेरी जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ दोस्तों आपको, ये मुझको यहाँ पे इसको भी थोड़ा बड़ा करना है, कहाँ गया, चौथे नंबर पे आना है इसको, इसको यहाँ पे ये हो गया आपका सेट फोटो। दोस्तों आप कोई सी भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है ऐसी हो, क्योंकि मैंने तो आपको सिर्फ एक फोटो एग्जांपल की तरह बता दिया है। तो दोस्तों देखिए हमारा यूट्यूब थंबनेल बनके रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे सेव कैसे करें देख सकते हैं, यहाँ पे सेव एज इमेज, सेव टू गैलरी, आता है देखिए ये मेरा सेव हो चुका है। तो दोस्तों यही था तरीका, तो चलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय बाय दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट जरूर कर देना दोस्तों। ओके।